झारखंड में आजसू का बीजेपी से गठबंधन नहीं होगा, ये बड़ा बयान पार्टी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस के नेता रहे प्रदीप बलमुचू ने दिया है। प्रदीप बलमुचू से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ब्रजेश राय ने, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रदीप बलमुचू, बड़ा नाम कांग्रेस का, आज इन्होंने कांग्रेस को अलविदा करके आजसू का दामन थाम लिया, आखिर क्या वजह रही? देखिए, मैंने पहले कहा है कि पिछले 2 साल से हमने ऐसा महसूस किया कि कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि हमारे जैसे लोगों की, कार्यकर्ताओं को पार्टी की आवश्यकता नहीं है, वहाँ कोई स्थान ऐसा नहीं लगता, और इसलिए हमने ये सोचा कि भाई अब ऐसे मोड़ पर जब हमारा घाटशिला सीट भी इन लोगों ने JMM को दे दिया, तो हमको लगता है कि अगर हम जमीन नहीं बचाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि आजसू का दामन थामे और आजसू पार्टी में। अंतिम सवाल सिर्फ आपसे एक सवाल और, ये बताइए कि बीजेपी के साथ गठबंधन की बात चल रही है, लगातार आजसू का कुनबा बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये हमको लगता है कि ये सवाल तो आप सुखदेव जी से पूछेंगे तो सही होगा, इसलिए कि वो इस गठबंधन में बातचीत कर रहे हैं, हम तो अभी नए नए आए, हमको तो जानकारी भी नहीं है। इतना जानकारी है कि ये प्रयास हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मगर हमको जो जानकारी है कि गठबंधन नहीं हो रहा है। गठबंधन नहीं होगा, ये प्रदीप बलमुचू ने अभी अभी दामन थामा है आजसू पार्टी का और इन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा, साथ में कांग्रेस की कार्यशैली पर भी इन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। झारखंड में चुनावी समर में नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना लगा हुआ है और आजसू पार्टी का ग्राफ इन दिनों उफान पे है। कैमरा पर्सन सूर्य प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV, रांची।